हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ सुमन। और आज हम बात करेंगे असिस्टेंट फिशरीज ऑफिसर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। दैन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है दैन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दैन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर फिशरीज ऑफिसर का, उस पर डिस्कशन करते हैं। दैन जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था the ratio of soap and oil in the emulsion used to remove aquatic insect in the pond। यानी कि पॉन्ड के अंदर जो aquatic insect होते हैं उनको रिमूवल करने के लिए जो emulsion में सोप और ऑयल का जो रेशियो रखा जाता है वो क्या रखा जाता है। देन राइट आंसर इज 1:3। ओके, यानी कि 1:3 मतलब सोप का 1 और ऑयल के 3। ठीक है। और उसके बाद में वाटर मास इन द बॉटम ऑफ थर्मली सेटिस्फाइड लेक या फिर स्टार्टिफाइड लेक या फिर रिजर्वायर नोन एज। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोलिमोनियन। ओके, उसके बाद में है आइडियल स्टॉकिंग ऑफ कार्प फ्लाई मिलियन फ्राई पर हेक्टेयर। यानी कि 1 हेक्टेयर में अगर हमें रियरिंग करनी हो कार्प फ्राई की तो कितनी कार्प फ्राई रख सकते हैं। देन राइट आंसर इज 0.2 to 0.3। और उसके बाद में है मीडियम साइज कार्प इनकॉर्पोरेटेड विद मेजर कार्प इज इन एक्वेटिक फ्रॉम प्रमोटिंग स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन दैट। जो इसका राइट आंसर है वो स्पीसीज कौन सी है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि तीनों ही स्पीसीज है। उसके बाद में है डक वीट बिलोंग टू द जेनेरा या फिर यानी कि जीनस, कौन से जीनस या जेनेरा से बिलोंग करता है। देन राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि लैमना, एजोला और वोल्फिया तीनों से ही बिलोंग करता है। फिर है लेबियो कालबासू प्रेफर टू डिवेल एट इंच ऑफ पॉन्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बॉटम। और उसके बाद में जेनेटिक मार्कर आर कैटेगराइज्ड एज। जेनेटिक मार्कर को किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, बोथ ए एंड बी, यानी कि एलेजाइम्स और डीएनए मार्कर दोनों की कैटेगरी में ही रखा गया है। फिर है फाइन रेज लैपिडो ट्रेकिया आर फाउंड इन फिशेस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा, आंसर नंबर डी, यानी कि बोथ बी एंड सी। और उसके बाद में है हाईएस्ट मैरीन फिश कैचेस ऑफ वर्ल्ड इज फ्रॉम ओशन। ठीक है, तो कहाँ पे की जाती है, सबसे ज़्यादा पैसिफिक में। ठीक है। और उसके बाद में है द लार्ज रिजर्वायर हैव ए साइज एरिया इन हेक्टेयर ऑफ। ठीक है, तो कितने हेक्टेयर एरिया हो सकता है। द राइट आंसर इज मोर देन 5,000, यानी कि 5,000 से ज़्यादा। उसके बाद में फ्लड प्लान, वेटलैंड और ऑक्सबो लैक्स आर टाइपिकली टोपोग्राफिकल फीचर्स अलोंग रिवर बेसिन ऑफ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी, जो कि है गंगा बेसिन। और उसके बाद में इंडिजीनियस फ्रेश वाटर ऑर्नामेंट फिश रिसोर्स ऑफ इंडिया इज द हाइएस्ट एट लोकेलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है। और उसके बाद में है एन इम्पोर्टेंट क्लैम स्पीसीज विद हाई पोटेंशियल फॉर फार्मिंग इन वेम्बनाद लेक ऑफ केरला। केरला की जो वेम्बनाद लेक है, जो झील है, उसके अंदर जो मतलब रियरिंग करने के लिए, पालने के लिए जो स्पीसीज है क्लैम स्पीसीज, वो कौन सी अच्छी है, तो कौन सी है, विलोरिटा क्रेपनोइड्स। और उसके बाद में है मसल स्पीसीज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फार्मिंग अलोंग ओवर साउथ वेस्ट कोस्टल, तो कौन सी है। द राइट आंसर इज बी, पैरनाविरिडिस। और उसके बाद में है कॉमन वैरायटी ऑफ गोल्ड फिशेस, कॉमन वैरायटीज कौन सी है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों ही जो है ये कॉमन वैरायटी है। फिर है शैलो एरिया अलोंग पेरीफेरी ऑफ वेटलैंड कैन बी यूज फॉर फार्मिंग थ्रो, तो किसके थ्रो यूज की जाती है, बी नंबर है, पैन कल्चर। फिर है ह्यूमन हेल्थ बेनिफिट ड्यू टू ईटिंग ऑफ फिश इज attributed to presence of the item of his liquid, तो कौन सा आइटम है, एंथ्रीपूफा। और फिर है ऑर्नामेंटल फिश एग्जिबिटिंग सेक्स रिवर्सल फ्रीक्वेंटली, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा, आंसर नंबर डी, स्वॉटेल। और उसके बाद में है 19 नंबर मैनेजमेंट मेजर्स फॉर लार्ज रिजर्वायर्स टू इनहेंस फिश प्रोडक्शन, तो कौन सा होना चाहिए, स्टॉक इनहेंसमेंट। और फिर है पेलागिक फिश एग्जिबिटिंग वेल रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ए नंबर, बॉम्बे डक। और फिर है क्रोमोसोमल बैंडिंग कैरिड आउट इन फिश। ठीक है, क्रोमोसोमल बैंडिंग है, तो देन इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी सी बैंडिंग, जी बैंडिंग एंड क्यू बैंडिंग। फिर है गोनाडाल मैचुरेशन एंड ब्रीडिंग एफिशिएंटली इज इनहैंस्ड बाय सप्लीमेंटिंग द डाइट विद, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, N3 एंड N6 पूफा। Major fishing craft commonly used in reservoirs of peninsular India. तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर कोरकेल। और फिर है प्रोटीन लेवल, वो भी परसेंटेज में बताना है। कंसीडर्ड ऑप्टिमम एंड इकोनॉमिकल फॉर प्रैक्टिकल डाइट्स फॉर हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स फिश फिंगरलिंग इन पॉन्ड फीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर वन, सेकेंड इसका ऊपर है मे बी नहीं, आंसर नंबर सी यानी कि 25 से 30। और उसके बाद में है डी जनरेशन एंड रिसॉर्प्शन ऑफ मैच्योरिंग oocytes इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर एट्रेसिया। और फिर 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पेयर ऑफ कैर्नियल नर्व्स प्रेजेंट इन टीलोस्टा, ठीक है। तो कितने पेयर पाए जाते हैं? द राइट आंसर इज सी, 10 पाए जाते हैं, 10। और उसके बाद में है गोनाडोट्रोप्स FSH एंड LH जो सेल्स हैं आर यूजली लोकेटेड। तो ये सेल्स कहाँ पे पाई जाती है? तो प्रॉक्सिमल पार्ट डिस्टल में पाई जाती है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन है, टाइम टेकन फॉर एब्जॉर्बेशन ऑफ योल्क इन लार्वा या फिर हैचलिंग ऑफ इंडियन मेसोकार्प्स। तो इसका राइट आंसर है 3 days। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 नंबर, मोस्ट सुटेबल इनहेंसमेंट measures practiced for small reservoirs in India. The right answer is D, culture based fisheries. और उसके बाद में है protein required for fish compared to mammals, ठीक है। तो more है इसका आंसर, यानी कि ज़्यादा प्रोटीन होगा। फिर है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी इन लेक एंड रिजर्वायर्स, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर है इसका? लैटिट्यूड। और उसके बाद में है द एक्जोटिक लार्विवोर्स फिशेस, ठीक है। एक्सोटिक जो लार्विवोर्स फिश है तो वो कौन सी है? लेबेस्टिस। उसके बाद में है फिश प्रेफरिंग टू ब्रीड इन फ्लडेड वाटर इन रिवर्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि रोहू भी है, कालबासु भी है और मार्जिनल भी है, जो कि चलते पानी के अंदर क्या करती हैं? ब्रीडिंग करती हैं, ठीक है। उसके बाद में फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्पॉनिंग इन फिश, ठीक है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कौन सा है? बोथ है, यानी कि फोटो पीरियड भी है और टेम्परेचर भी है। फिर है इनशोर फिशिंग मैनुअली ओकर विद इन द डेप्थ ऑफ सी। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर 50 मीटर। और फिर है जो क्वेश्चन है, डाइटरी प्रोटीन एनर्जी रेशियो mg/kcal बताना है फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ फिश इन अराउंड। तो कितना होना चाहिए? 100 mg/kcal। और फिर है द स्पाइसिस ऑफ ऑयस्टर मोस्ट सुटेबल फॉर फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया में फार्मिंग करने के लिए कौन सी स्पीसीज बेस्ट है? तो कौन सी है? सी नंबर, ठीक है, यानी कि क्रासोटेरा मेड्रेसिसी। और उसके बाद में वाइडली यूज लाइव फीड फॉर ऑर्नामेंटल फिश आर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? आंसर नंबर सी, यानी कि बोथ इन्फ्यूशोरिया भी है और ये जो दूसरा है ये भी है, ठीक है, क्यूर्कोनोमीट्स भी है। और फिर है द ऑयस्टर स्पीसीज यूज फॉर पिल प्रोडक्शन, ठीक है। तो कौन सा ऑयस्टर्स है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है आंसर नंबर डी, ठीक है, पिनकेटाटा फ्यूकाटा। और फिर है फिश मेटाबॉलिक रेट डबल विद राइज ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टू एक्सटेंड ऑफ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी नंबर, यानी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे बढ़ता है। फिर है मेथड यूज टू ट्रांसफर जीन टू एनिमल एम्ब्रियो, ठीक है। तो कौन सा मेथड यूज में लेती हैं? माइक्रो इंजेक्शन भी और इलेक्ट्रोफोरोसिस भी। देन आंसर इज राइट ए एंड बी। और उसके बाद में है ऑप्टिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ कोल्ड वाटर फिशेस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, 14 to 18। और उसके बाद में है द सिंगल डोज ऑफ ओवे प्रीम या फिर ओवे टाइड ml/kg बॉडी वेट टू फीमेल मैग्योर एडमिनिस्ट्रेटेड इन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। दैन इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, 1 to 1.5। फिर एग्जाम्पल ऑफ लाइव बैरियर ऑर्नामेंटल फिश, लाइव बैरियर ऑर्नामेंटल फिश का एग्जाम्पल कौन सा है? पोइशीलिया रेटिकुलेटा। और फिर है आइडियल अल्कलिनिटी रेंज mg/liter ऑफ वाटर फॉर गुड ग्रोथ ऑफ फिशेस। जो वाटर है उसमें उसकी अल्कलिनिटी रेंज क्या होनी चाहिए फिश के अच्छी ग्रोथ के लिए? दैन राइट आंसर इज 75 to 250। और उसके बाद में मैक्सिमम नाइट्रोजन एक्सक्रिएशन ऑफ टीलियोस्ट फिश इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो उत्सर्जित करती हैं जो नाइट्रोजन जो एक्सट्रैक्ट उत्सर्जित होता है वो किस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करती हैं। देन इसका जो राइट आंसर है 46 नंबर का आंसर नंबर 1 minute 2 यानी कि अमोनिया फॉर्म में। फिर एग्जाम्पल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन ऑफ फिश, ठीक है, तो फिश का कौन सा हार्मोन है, द राइट आंसर इज इंसुलिन। और फिर है EEZ ऑफ इंडिया मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हैज़ मैग्नीट्यूटेड ऑफ, तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है B नंबर 2.02। फिर है इनब्रीडिंग ऑफ फिश गैस, इनब्रीडिंग जो है वो किसके कारण होती है, तो A एंड B बोथ होमोजाइगोसिटी और डिप्रेशन दोनों के कारण। फिर है रैम्पानी ऑपरेशन इज मैक्सिमम अलोंग कोस्ट ऑफ, ठीक है, तो कौन सी कोस्ट में, द राइट आंसर इज कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल सार्डिन ऑकरेंस इन मैक्सिमम अलोंग द कोस्टल ऑफ, दैन राइट आंसर इज ए मलबार कोस्टल। और फिर है टूल्स यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ ICT इन एक्सटेंशन वर्कर, तो कौन सा टूल यूज में लिया जाता है, D नंबर, यानी कि ऑल ऑफ दीज, वेस्टा भी, GPS भी और रिमोट सेंसिंग भी। फिर है ITK रेफर टू कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी जनरेटेड एट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, लोकेलिटी। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, इसके नीचे नहीं, हाँ ये रहा, पोटेंशियल फिशरी जोन जिसे कि PFZ बोलती है, इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडिंग मेनली बाय द एनालिसिस ऑफ, तो सी सरफेस टेम्परेचर के एनालिसिस करके पता करती है, ठीक है। सॉरी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में किसे इंक्लूड किया गया है, ऑल ऑफ दिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, तीनों को ही किया गया है। फिर है ग्रीन हाउस गैसेस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड सी लेवल राइज, ठीक है, तो कौन सी गैसी है, आंसर नंबर D ऑल ऑफ दिस, CO2, CH4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड CH4 एंड N2O। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एज पर रामसर कन्वेंशन 1971 वेटलैंड इंक्लूड्स मैरीन वाटर विद द डेप्थ लिमिट, मीटर में बतानी है, एट लो टाइड ऑफ द एक्सटेंड ऑफ, देन इसका 57 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर A6। और 58 नंबर क्वेश्चन है पेलागिक स्पॉनर इंक्लूड्स, तो किसमें इंक्लूड किया गया है, दैट राइट आंसर इज C, यानी कि A एंड B, सार्डिनेज में भी और टूना में भी। और फिर है सनसेट पीरियड रेफर टू द स्टेज ऑफ फिश एट, ठीक है, तो ओल्ड एज को शो करता है। फिर है नंबर ऑफ आर्टिकल इन द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फिशरीज जिसे CCRF बोलती है, ठीक है, तो कितने इसके जो नंबर्स बतानी है, राइट आंसर इज 12 यानी कि C। एग्जाम्पल ऑफ नेस्ट बोल्डिंग ऑर्नामेंटल फिश विद एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है गोरेमीन, सॉरी। उसके बाद में है प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर फिश अमंग ऑल फिशेज इन द वर्ल्ड, तो 82 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर, सॉरी 62 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर B 41%। और फिर है मैक्रेल रेस्ट्रीलिगर ब्रेकेसोम ओकेयर मैक्सिमम एट कोस्टल एट, ठीक है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है B अंडमान निकोबार आइसलैंड। उसके बाद में है फादर ऑफ आइकोथोलॉजी इज एट्रीब्यूटेड ऑफ, ठीक है, तो फादर कौन है, द राइट आंसर इज P एट्रीडी। और उसके बाद में है टाइप ऑफ स्केल यूजुअली फाउंड इन शार्क्स, तो जो इसका राइट आंसर है वो है प्लेकोइड्स। और फिर है मैनग्रोव एरिया इज हाइएस्ट अलोंग द कोस्टल ऑफ, ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, वेस्ट बंगाल है। और फिर है द ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट परसेंटेज इन द हाई प्रोडक्टिव पॉन्ड्स, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर D यानी कि मोर देन 2.5। फिर है यूजली द एक्सपेंडिचर ऑन आर्टिफिशियल फीड इन सेमी इंटेंसिव फिश कल्चर ऑफ द एक्सटेंड अबाउट एज परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, तो इसका राइट आंसर क्या है, C नंबर 60। और फिर है turbidity due to suspended soil particle can be suitably controlled by, तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, राइट आंसर इज जिप्सम। फिर है टूल्स यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ ICT इज एक्सटेंशन वर्कर, द राइट आंसर इज D ऑल ऑफ दीज, वेस्टा, GPS, रिमोट सेंसिंग। और उसके बाद में है हिटेरोजेनस इंडिविजुअल ग्रोथ इज ए प्रोमिनेंट फीचर इन कल्चर पॉपुलेशन ऑफ, तो देन राइट आंसर इसका जो है फ्रेश वाटर प्रॉन। फिर है ब्लड फॉर्मिंग साइट इन टीलियोस्ट, तो ब्लड फॉर्मिंग साइट कौन सी है, बोथ यानी कि किडनी और स्प्लीन। और फिर है कोयलिया दुसुमेरी इज कॉमनली नोन एज, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गोल्डन एनकोवी, फिर है डीप एंड फ्लड प्रोन एरिया ऑफ वेटलैंड कैन बी यूज फॉर फार्मिंग ऑफ कार्प थ्रो, तो किसके लिए यूज में लिया जाता है? द राइट आंसर इज बी, यानी कि कैग कल्चर के अंदर। फिर है मोस्ट इम्पोर्टेंट मोरफोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी इन रिजर्वायर्स, देन इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर यानी कि डेप्थ। और फिर है पाइलोरिक कैसिया बींग वेल डेवलप इन द फिश, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी नंबर नोटो पटेरस्ट। और उसके बाद में है इफेक्टिव ब्रांचियल आर्टरीज ऑफ फिश कैरी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक नंबर, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर है एयर ब्रीथिंग फिश इंक्लूड्स, जो एयर ब्रीथिंग फिश है उनको किसमें इंक्लूड? ऑल ऑफ दीज, तीनों ही है। और उसके बाद में 79 नंबर क्वेश्चन, ब्रीडिंग पीरियड ऑफ मेजर कार्प्स आर बीइंग एडवांस्ड बाय 1 to 2 मंथ्स एट मैनी प्लेस इन इंडिया कंपेयर टू प्रीवियस डिकेड ड्यू टू, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा? आंसर नंबर बी, राइज इन टेम्परेचर। और उसके बाद में है लार्वा बीइंग फेड विद यूनिसेल्युलर एल्गी इन श्रिम्प हैचरीज, तो इसका जो राइट आंसर है 80 नंबर क्वेश्चन का वो है ए, यानी कि क्रैक्टर्स एंड स्केलेटोमा। और उसके बाद में है इलेक्टो कैटेगराइजेशन इज यूजुअली डन इन द हैचरी ऑफ, 81 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि टीगर श्रिम्प। और उसके बाद में द रेशियो ऑफ एब्लेटेड फीमेल टू मेल फॉर सक्सेसफुली मेटिंग इन श्रिम्प हैचरीज, तो जो रेशियो है वो क्या रखा जाता है? बी नंबर 2:1 रखा जाता है। और उसके बाद में है एंजाइम्स फ्लाइटिंग एस्टर बाउंड ऑफ फैट्स, तो इसका जो राइट आंसर है 83 नंबर का वो क्या है? डी है, लिपेज है। और उसके बाद में है काइंडली इज द मोस्ट डेवलप इन द ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेश वाटर टिलियोस्ट। और फिर है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ इंगेस्टेड मोल्टेड शेल इन शेलफिश, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, काइटिनेज। और फिर है हार्मोन गैस्ट्रीन इन शेल फिश इज प्रोड्यूस एज द ऑर्गन्स, ठीक है, तो आंसर नंबर ए स्टोमच में पाया जाता है। फिर है एब्यूडेंस ऑफ डाइटोम फ्रेजिलेरिया ओशियनिका इन कोस्टल वाटर इंडिकेट एब्यूडेंस ऑफ फिश, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? आंसर नंबर सी, ऑयल सार्डिन। और उसके बाद में है वेरियस स्ट्रेटेजी ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन टू इनहेंस फिश प्रोडक्शन, देन राइट आंसर जो है वो है आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दीज सभी हैं। फिर उसके बाद में है एनालिटिकली बायोइकोनॉमिकली सिमुलेशन फूल्स एंड मल्टी स्पीसीज एंड मल्टी फ्लेट फिशरीज, 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है डी नंबर, BEAM4। उसके बाद में है FAO ICLRM स्टॉक असेसमेंट टूल रेफर्ड टू, ठीक है, देन राइट आंसर है फिस्टा सेकिन। और उसके बाद में 91 नंबर इंडियन फिशरीज एक्ट है वो कब इनेक्टेड हुआ? देन राइट आंसर है 1997 में। और उसके बाद में है द गियर कॉमनली यूज टू बॉम्बे डक, ठीक है, कॉमनली कौन सा गियर यूज में लिया जाता है? डोलनट। और फिर है एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिशिंग एंड फिशरीज बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ, तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनियन गवर्नमेंट। और फिर है टाइप ऑफ स्विम ब्लैडर इन फिश, ठीक है, तो टाइप बताना है। 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, A and B दोनों है। फिर है इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग नीड बेस्ड एंड स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग टू फिश फार्मर, तो इसका राइट आंसर है 95 नंबर का KVK, किसान विज्ञान केंद्र भी बोलती हैं जिसे। और फिर है टेरिटोरियल वाटर अलोंग इंडियन कोस्टल रेफर टू द लिमिट इन ए डिस्टेंस, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 12। फिर है द EEZ ऑफ इंडियन एक्सटेंड टू द डिस्टेंस न्यूटिकल मिलियंस इन द सी, तो इसका राइट आंसर क्या है? 200। और फिर है हिटेरोजाइगोसिटी लीड टू, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, यानी कि फास्टर ग्रोथ। फिर 99 नंबर क्वेश्चन की बात करती हैं, हिटेरोसेरिकल टेल्स यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन फिश, तो 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है शार्प। और फिर है डाउनवर्ड या फिर इंफीरियर पॉइंटिंग माउथ मोस्टली फाउंड इन फिश, देन राइट आंसर इज सी, बॉटम फीडर। और फिर है 101 नंबर क्वेश्चन, द क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज्ड इन ट्रीटिंग मिल्ट सैंपल विद एक्सपेंडर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तीनों ही हैं। फिर है द पैलाटो क्वाड्रेट सर्टिलेज इज नोन एज, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए, अपर जा। और फिर है 103 नंबर क्वेश्चन जो है ट्रेडिशनल ब्रैक्टिश वाटर फार्मिंग ऑफ भाष्मबादा फिशरीज फाउंड इन द स्टेट, कौन से स्टेट में पाई जाती है? वेस्ट बंगाल में। फिर है द अपेंडिकुलर स्केलेटॉन इन फिश इंक्लूड्स, देन राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी, दोनों में ही। और फिर है द एक्यूटेनस रेस्पिरेशन इज प्रोमिनेंट इन रेस्पिरेटरी गेस ऑफ फिश, द राइट आंसर इज डी, एलिस। और उसके बाद में है एक्वेटिक वीड यूज एज नाइट्रोजिनस बायोफर्टिलाइजर इन द पॉन्ड, तो 106 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए नंबर, एजोला। और उसके बाद में है द ओशियनिक ट्यूना ओकेरिंग अलोंग इंडियन कोस्टल, दैन राइट आंसर इज डी, ठीक है, ट्यूनस एल्बेकोर्स। और फिर है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग प्रमोट्स, तो फिश फार्मिंग क्या प्रमोट करती है? 108 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर है डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। और उसके बाद में है जो सैवेज फीड एक्वा फार्मिंग प्रैक्टिस इज हाइएस्ट एट लोकेलिटी ऑफ, देन राइट आंसर इज बी, यानी कि कोलकाता। और 110 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कैग फार्मिंग ऑफ फिश ओरिएंटेड इन द कंट्री, देन राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज सी, इंडिया, सॉरी इसका आंसर है कैम्बोडिया। और उसके बाद में है डिजीज इन ऑर्नामेंटल फिश हैविंग व्हाइट स्पॉट इन द बॉडी एंड फिंच इज कैज्ड बाय, किसके द्वारा? देन राइट आंसर इज पैरासाइट्स के द्वारा। और फिर है लाइव बैरियर ब्रीडिंग हैबिट फाउंड इन फिश, देन राइट आंसर इज डी, गुपीज। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ फिश जर्म प्लाज्मा रिसोर्सेज एट देयर नेचुरल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज, देन राइट आंसर इज इन सिटू कंजर्वेशन। फिर है हाई वॉल्यूम ऑफ कैचेबिलिटी कोफिशिएंट क्यू इंडिकेट्स, द राइट आंसर इज बी, हाई एफिशिएंसी ऑफ गियर। फिर स्टेट फिश ऑफ उड़ीसा इज, द राइट आंसर इज बी, तोरमहांडिकस। और फिर है फ्रेगमेंट्स ऑफ फिश कैन बी सुटेबली आइडेंटिफाई, देन राइट आंसर इज ए, डीएनए बारकोडिंग। और 117 नंबर क्वेश्चन मेथड ऑफ डेमोस्ट्रेशन ऑफ सम फार्मर इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग मेथड कॉल्ड, तो क्या बोलती हैं? ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। और उसके बाद में है ल्यूकोसाइट्स ऑफ फिश इंक्लूड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, तीनों को ही। और फिर है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवेरी इज कॉल्ड, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलती हैं? पेरिटोनम। और फिर है मैक्रेल्स कैच इज यूजली हाइएस्ट अलोंग द कोस्टल ऑफ, द राइट आंसर इज डी, कर्नाटका। फिर है फैट सोल्यूबल विटामिन नीड इन फिश डाइट, ना राइट आंसर इज डी, विटामिन ए। और उसके बाद में है मिनरल्स मच नीडेड फॉर बोन फॉर्मेशन इन फिश, देन राइट आंसर इज डी, यानी कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। फिर है ग्रॉस एनर्जी लेवल, वो भी कैलोरी किलो कैलोरी पर ग्राम बताना है, वो प्रोटीन एंड लिपिड्स, देन इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए, 5.6 से 9.4। और फिर जो क्वेश्चन है वो है एस्ट्रोजन इन फिश आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गन, एस्ट्रोजन जो है वो किसके द्वारा? टेस्टिस के द्वारा किया जाता है। फिर है द फर्स्ट मैरीन फिश कल्चर्ड इन द वर्ल्ड सैरियोल क्वांक्रेडाइट्स कॉमनली नोन एज, देन राइट आंसर इज बी, जापानीज येलो टेल। और उसके बाद में 126 नंबर क्वेश्चन है जो है फिश ईटिंग ऑन लिमिटेड फूड आइटम्स, देन राइट आंसर इज ए, मोनोफेगस। और उसके बाद में है द लार्वा ऑफ लोबस्टर इज नोन एज, लार्वा को क्या बोलती हैं? देन राइट आंसर इज डी, फाइलोसोमा। और उसके बाद में है कॉमनली यूज सी वीड स्पाइसेस सुटेबल फॉर फार्मिंग इन इंडिया, देन राइट आंसर इज ए, ग्रेसिलेरिया इडुलिस। उसके बाद में है प्रोसेस्ड सी फूड प्रोडक्ट्स ब्रेकडे मेयर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन प्रिपेयर्ड फ्रॉम, देन राइट आंसर इज डी, यानी कि सी, कुकुम्बर। और उसके बाद में है एक्वा ज्ञान क्योपाल्स टू इनहेंस टेक्निकल नॉलेज ऑफ फार्मर्स, देन राइट आंसर इज ए, टेलनेट। और उसके बाद में है द हार्ट ऑफ फिश इज इनक्लोज्ड इनसाइड, 1 मिनट, हाँ कोई नहीं छूटा, तो राइट आंसर है सी नंबर, सीनस वेनोसिस। और फिर है ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन अप टू सी वाटर लेवल इन मैरीन फिश आर मेंटेन बाय। तो 132 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर है बी नंबर TMAO। उसके बाद में वाइल्ड टॉलरेंट ऑफ सैलिनिटी बाय ऑर्गेनिज्म, वाइल्ड जो है इसका राइट आंसर बी नंबर। One minute। जो क्वेश्चन का आंसर है वो है हाइपरओस्मोटिक। ओके, उसके बाद में स्पाइरल वैल्यू इज एसोसिएटेड विद गट ऑफ फिश, देन इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी ट्रोयूस्ट। और उसके बाद में है ट्रूटेल नेस्टिंग इन विंटर सीजन इज ए प्रोमिनेंट फीचर एट एस्टूरी ऑफ रिवर, देन इसका जो राइट आंसर है 135 का वो है डी। और उसके बाद में है Improved रोहू जयंती प्रोडक्शन was promoted by, तो किसके द्वारा प्रमोट किया गया? NBBCR के द्वारा। फिर है फिश गैमिट्स इन क्रायो प्रिजर्वेशन इन लिक्विड नाइट्रोजन आर हेल्ड एट लो टेम्परेचर। वन मिनट। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी 196। और फिर है पैन कल्चर इन कॉमर्शियल स्केल प्रैक्टिस्ड इन कंट्री या फिर कंट्रीज ऑफ, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 138 का वो है डी नंबर ऑल ऑफ दिस। और उसके बाद में है कैग सुटेबल फॉर शैलो वाटर बॉडीज, देन इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो भी है डी नंबर, यानी कि सबमर्ज्ड कैज। इसका सबमर्ज्ड कैज नहीं होगा, इसका फ्लोटिंग कैज है। और उसके बाद में है रिनकोडोन टाइपस इज कॉमनली नोन एज, तो इसे किस फॉर्म में जाना जाता है? देन इसका जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, ठीक है। और उसके बाद में है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ पोकाली पैडी कम श्रिम्ब फार्मिंग राउंड इन द स्टेट, देन इसका जो राइट आंसर है वो है सी नंबर गोवा। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइटम मच नीडेड इन फिश डाइट बट नोट बायोसिंथेसिस इन फिश, ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। फिर है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीड इन डाइट फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA एंड एसेंशियल फॉर सेल प्रोलिफिकेशन, दैट राइट आंसर इज जिंक, सॉरी इसका जिंक, हाँ जिंक। और उसके बाद में जो क्वेश्चन है द हार्मोन स्टिम्युलेटिंग विटेलोजेनिक, देन राइट आंसर जो है वो है बी नंबर ये बी नंबर है इसका राइट आंसर। फिर है मैकेनाइज्ड फिशिंग, वन मिनट, मैकेनाइज्ड फिशिंग vessel up to 15 meter length are usually allowed to operate beyond a minimum distance from coastal, the right answer is 15 किलोमीटर। उसके बाद में यह लार्वा स्टेज ऑफ मड कार्प इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर मेगालोप। और उसके बाद में स्पाइसेस सुटेबल फॉर क्रेब फैटनिंग, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर बोथ ए एंड सी। मोर्टेलिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज, ठीक है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर है। फिर है क्लियर एनुअल रिंग इन स्केल ओटोलिथिक आर फाउंड्स, तो राइट आंसर जो है वो है सी टेम्परेट फिश। और उसके बाद में है फिश विच स्पोन एंड then die are called. तो उसे क्या बोलती है? The right answer is A, यानी कि सेमेल पोर्स. और उसके बाद में है 151. The feature of e-governance includes, the right answer is D, all of these. और यूरिया प्रोडक्शन इन फिश ओकेयर टू ब्रेक डाउन ऑफ, द राइट आंसर इज सी, यानी कि बोथ ए एंड बी. और रिलीज ऑफ मॉइस्चर ओसाइड्स फ्रॉम इट्स फॉलिकल इज नोन एज, दैन राइट आंसर जो है, वन मिनट, जो राइट आंसर है वो है आपका बी, विटेलोजेनेसिस. सॉरी, ओव्यूलेशन. और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऑफ फिश विच मच इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, देन जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, बोथ ए एंड सी. असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव अर्निंग सिचुएशंस इन एक्सटेंशन एजुकेशन इंक्लूड्स, इसका राइट आंसर है सी नंबर, बोथ ए एंड बी. और फिर है द नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरीज मैन कोऑपरेटिव लिमिटेड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन ईयर, तो कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया? देन राइट आंसर इज डी, 1982 के अंदर. फिर 157 नंबर क्वेश्चन है, हीला कॉन्स्टिट्यूशन मेजर फिशरीज इन द रीजन, तो कौन से रीजन में? होगली, माल्टा, इटुएरी के अंदर. फिर है द मेन गियर यूज फॉर हार्वेस्ट ऑफ डैमेजल फिश, देन राइट आंसर इज सी, ट्रेवल नेट. और उसके बाद में है मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया अलोंग इंडिया कोस्टल एज पर द इंडियन वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर है सी नंबर. और उसके बाद में जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कैटेगराइज ऑफ विच सीआरजेड, यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन आर क्लासिफाइड, तो 4 जोन में क्लासिफाइड किया गया है. बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिपेटोरी फिशरीज मैनेजमेंट, तो इसका बेनिफिट क्या है? डी नंबर, ऑल ऑफ दी सभी इसके बेनिफिट्स है. फिर है द रिलेटिव लेंथ ऑफ गट इज हाइएस्ट इन ग्रुप ऑफ फिश, तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा लंबी होती है जो गट है? तो वो है हर्बीवोर के अंदर. फिर है एसेंशियल अमीनो एसिड नीडेड फॉर फिश, देन राइट आंसर जो है वो है डी नंबर, ऑल ऑफ दीज. फिर है गिजार्ड इन स्टोमेटा, सॉरी स्टोमच इज वेल डेवलप इन फिश, कौन सी फिश के अंदर वेल डेवलप होती है? देन राइट आंसर इज ए, म्यूलेट. और उसके बाद में है लैटिमेरिका क्यालुमेनिया बिलोंग टू द ऑर्डर, ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है? कोयला कैंथीफॉर्म्स के. और फिर है फिशेज बीइंग कंसीडर्ड यूरियोटेलिक, राइट आंसर इज शार्क्स. फिर है मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ अरेबियन कोस्टल अलोंग द स्टेट ऑफ, देन राइट आंसर इज डी, केरला. फिर है फीडिंग हैबिट ऑफ सिफेलोपोड्स, तो फीडिंग हैबिट जो है उसका राइट आंसर क्या है? कार्निवोर्स की है. फिर है ग्रोथ रेट अप्रोच जीरो, इन जीरो किस में होती है? टू लोड फिश के अंदर. फिर है एक्सप्लॉयटेशन रेशियो ई इज डिनोटेड बाय, तो किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? एफ अपॉन जेड. और फिर है वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप स्विम ब्लडर आर फाउंड इन फिश, कौन सी फिशेज में? देन राइट आंसर इज ससेनिड्स के अंदर. फिर है हाईएस्ट अमोंग ऑफ नॉन पेनाइट्स श्रिम्पेज आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द कोस्टल ऑफ, देन राइट आंसर इज ए, गुजरात. और फिर है माइग्रेशन इन मड क्रेब ओकेयर 4, देन राइट आंसर इज ए एंड बी, फीडिंग एंड ब्रीडिंग बोथ. और फिर है ग्लोकोडियम लार्वा आर फाउंड इन, तो किसमें पाया जाता है? यूनियो के अंदर. फिर है इंक ग्लैंड इज फाउंड इन शेलफिशेस, तो राइट आंसर क्या है? ए नंबर, सेल्पिया. और फिर उसके बाद में है गोनाडेल स्टेरॉयड हार्मोन ऑफ फिश, द राइट आंसर इज टेस्टोस्टेरोन. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटिंग सिस्टम ऑफ फिश इंक्लूडेड, द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस सभी को इंक्लूड किया गया है. और फिर जो क्वेश्चन है पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड इन फिश, कौन सी फिशेज में? द राइट आंसर इज डी, नन ऑफ दिस. और उसके बाद में है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, पोइसिलिया फोर्मोसा के अंदर पाया जाता है. फिर है प्रोटोपटेरा बिलोंग टू द क्लास, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? डिप्नोई. और फिर है सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस बिलोंग टू द फैमिली, द राइट आंसर इज ई, सॉरी ए. उसके बाद में है म्यूकस cells are mainly scattered in, the right answer is A, epidermis. और फिर है food item rarely entire the gut of fish with other items called, the right answer is C, incidental food. और फिर है gill rack best develop below long and thin forming CV like structure in then right आंसर जो है वो है इसका डी है इसका इल्सा। और फिर है स्विम ब्लडर कंटेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक देन राइट आंसर इज ए CO2 O2 एंड N। और उसके बाद में है वेब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबेरियन ओस्कली इंक्लूड्स देन राइट आंसर जो है इसका 185 का वो है डी ऑल ऑफ दिस। फिर है ऑर्गन बीइंग इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग होमोस्टेटिस देन राइट आंसर इज ए किडनी। और द टेस्टिस्ट रिमेन अटैच टू बॉडी वॉल एंड ईयर ब्लैडर बाय देन राइट आंसर इज बी ठीक है मिजो और किम। और फिर है मेटामॉर्फिस ऑफ स्पर्मेटोइड्स आर स्पर्म इज कॉल्ड देन राइट आंसर इज ए स्पर्मोजेनेसिस। और 189 नंबर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मैच्योर एग इज कॉल्ड एज देन राइट आंसर इज सी थीका। और उसके बाद में है कॉर्प्यूस्कल ऑफ स्टेनियस आर प्रेजेंट नियर देन राइट आंसर जो है वो है इसका सी किडनी। और उसके बाद में है कैसेस ऑफ फिश माइग्रेशन कैन बी देन राइट आंसर है इसका डी ऑल ऑफ दीज यानी कि ये चारों ही हैं। और उसके बाद में हील स्ट्रीम फिशेज इंक्लूड तो हील स्ट्रीम फिशेज में किसको इंक्लूड किया गया है देन राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज सभी को इंक्लूड किया गया है। फिर है एल्गाल ब्लूम इज कंट्रोल बाय द यूज ऑफ ठीक है किसके यूज से कंट्रोल किया जाता है देन राइट आंसर इज ए सीमेजिन। और फिर है हार्ड पार्ट यूज फॉर एग डिटर्मिनेशन इन फिश देन राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दी सभी। फिर है स्पाइसेस ऑफ फ्रॉग विद पोटेंशियल एंड कल्चर एंड एक्सपोर्ट आइटम्स देन राइट आंसर इज ए राना टिग्रीना ठीक है। और उसके बाद में है डाइंसी फेलोन इज प्रेजेंट इन तो किसमें पाया जाता है बी नंबर 4 ब्रेन में। और उसके बाद में है बुध ब्रीडिंग इज वेल प्रैक्टिस्ड इन द स्टेट तो कौन से स्टेट में वेस्ट बंगाल में। उसके बाद में है जेनेटिकली फीमेल फिश कैन बी कन्वर्टेड टू फंक्शनल मेल बाय फीडिंग दैम विद सुटेबल अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड लाइक द राइट आंसर इज इसका जो है वो बी है। और उसके बाद में है कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरी सेक्टर इन परसेंटेज ऑफ नेशनल जीडीपी इज अबाउट देन राइट आंसर इज ए 1। फिर है जानो फिशरीज इज अ टाइपिकल फीचर ऑफ वाटर बॉडी देन राइट आंसर इज चिल्का ठीक है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर बाय।